नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल रेडिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पीएलसी पैनल का ये पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम लोग डीआई की जो वायरिंग है कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है वो आप लोग देख लेना, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने पीएलसी पैनल को जो बिल ऑफ मटेरियल होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किए हैं। मतलब एक पीएलसी पैनल में कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। और इस पार्ट में उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसको डीआई कहते हैं या डिजिटल इनपुट कहते हैं, उसका वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उस मटेरियल के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि वो मटेरियल कैसा रहता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है डिजिटल इनपुट वायरिंग इन पीएलसी पैनल, ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि पीएलसी पैनल में जो डिवाइस रहता है उसको फिक्स करने के लिए, उसको लगाने के लिए एक रेक रहता है, ठीक है। तो ये हमारा रेक है ये, ठीक है। तो उस रेक में सबसे पहले आपका एसी पावर रहता है, देन सीपीयू रहता है, उसके बाद में आपका डीआई रहता है। तो डीआई जो रहता है, नंबर ऑफ डीआई जो रहता है वो पीएलसी पैनल कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या एक इंडस्ट्री में कितने डीआई डीओ की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से पता चलता है, प्लांट से पता चलता है कि कितने आपको डिजिटल इनपुट चाहिए, कितने डिजिटल आउटपुट चाहिए, वो प्लांट वाले आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ इसका वायरिंग देखेंगे, इसका वायरिंग कैसे करते हैं डीआई। आप जब भी डीआई की बात करेंगे तो उसकी वायरिंग कैसे होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एसी पावर सप्लाई आएगा, देन आपका सीपीयू आएगा और उसके बाद डीआई आएगा। तो डीआई सपोज यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 हमने डीआई यहाँ पे मैंने ऐसे रेक बना के रखा हुआ है, यहाँ पे डीआई लगा हुआ है, ठीक है। तो डीआई में क्या रहता है, वो चैनल रहता है, ठीक है। तो मैं जिस पीएलसी पैनल के बारे में आपको डिस्कस करूँगा या जो बताऊँगा वो, उसमें डीआई जो रहता है आपका 32 चैनल का, ठीक है। तो सभी डीआई 1 में, डीआई 2 में, डीआई 3 जो है, डीआई 4 है, इसमें सभी में कितने केबल निकलेंगे, आपको 32 केबल निकलेंगे, ठीक है। तो केबल मैं टोटल बता रहा हूँ आपके कितने केबल निकले हुए हैं, 32 केबल प्लस आपका 8 केबल और इसमें टोटल आपका 40 केबल वहाँ से निकले रहेंगे, जिसमें 32 जो केबल रहेगा वो आपके एनओ में चला जाएगा, ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ। और बचे हुए जो 8 केबल है वो जो डीआई है, डीआई का ऑक्सीजन सप्लाई के काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो 40 केबल है, 40 केबल में से 20-20 केबल का एक बंच रहता है, इसमें से जो 16 केबल है वो आपका एनओ में चला जाएगा आपका रिले बोर्ड का, वैसे इसमें से 16 केबल आपका एनओ में चला जाएगा रिले बोर्ड का, और बचे हुए इसमें का जो 4 केबल है और प्लस 4 केबल है वो आपका डीसी सप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। डीसी सप्लाई क्या होगा, आपका 0 वोल्ट होगा और प्लस 24 वोल्ट होगा, ठीक है। तो 2 केबल इसमें चला जाएगा और 2 केबल इसमें चला जाएगा, इसमें 4 केबल लग जाएंगे, किसके लिए, आपका 20 जो केबल है, 20 कोर का जो केबल है उसके लिए आपका 4 केबल इसमें हो जाएगा। तो 16 और 4 आपको 20 ऐसा हो जाएगा, और सेकेंड जो 20 केबल और है उसमें 4 केबल एनओ में जाएगा, 4 केबल आपका किस में चला जाएगा, आपका ऑक्सीजन सप्लाई में चला जाएगा। मतलब 2 केबल आपका वोल्टेज का 0 वोल्ट का और आपका 2 केबल आपका प्लस 24 वोल्ट का केबल रहेगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये डीआई है जो कि 32 चैनल है, तो यहाँ से 32 केबल निकलेंगे और ये सारे जो 32 केबल जो रहेंगे वो आपका जो रिले बोर्ड है 8 चैनल को जो रिले बोर्ड लेते हैं, रिले बोर्ड कैसे रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास रिले बोर्ड है, ठीक है। इस रिले बोर्ड के एनओ में चला जाएगा आपका ये जो एनओ वाला पॉइंट, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एक पावर दिखा रहा है, कॉमन है ये, ठीक है, और ये ओपन है और ये क्लोज है। तो ओपन है मतलब ये एनओ है और क्लोज है मतलब ये एनसी है। तो क्या करेंगे आप, ये जो ओपन वाला पॉइंट है उसमें क्या हो जाएगा, रिले बोर्ड के जो 16 केबल है, जो हमारे डीआई है, डीआई में 20-20 केबल का 2 बंच है, तो मैं इस 20 केबल की बात करूं, 20 केबल में से 16 केबल जो है आपके किसमें आ जाएंगे, ये सारे आपके जो चैनल दिख रहे हैं आपका एनओ दिख रहा है, एनओ पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एनओ में डाल दिया है, ठीक है। और इसी रिले बोर्ड का जो आपका, देखिए ये रिले बोर्ड है, तो ये रिले बोर्ड का कॉयल वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये कॉयल वाला जो पॉइंट है किसमें चला जाएगा, ये टीवी में चला जाएगा। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है सब टीवी में जाएगा, 1 टीवी, या आपका 2, या आपका 3, या आपका 4, ऐसे आपके जितने नंबर चैनल है, 32 चैनल है, तो 32 आपको टीवी आएंगे, ठीक है। तो वो कहाँ से निकलेंगे, वो ये आपका जो कॉयल है कॉयल वाले पॉइंट से निकलेंगे, ठीक है। और देखिए कॉयल में ये जो कॉयल है, कॉयल के 2 पॉइंट रहेंगे, आप एक प्लस रहेगा और माइनस रहेगा, है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें का जो कॉमन वाला पॉइंट है, ठीक है, देखिए ये जो कॉमन वाला पॉइंट है, इस कॉमन वाले पॉइंट में हम लोग 0 वोल्ट
उसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको डीसी सप्लाई लेना है और उसमें जीरो वोल्ट आपको कनेक्ट कर देना है। और ये हमारे जो एक पॉइंट है कॉइल, तो सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट किसमें चले जाएंगे, टीवी में चले जाएंगे, ठीक है। इस टीवी की नंबरिंग कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। इस टीवी की नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे रिले बोर्ड वन है तो रिले बोर्ड वन लिखेंगे, देन प्लस आपको जीरो लिखेंगे, ऑब्लिक एक्स ए जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही कितना चले जाएगा, चूंकि ये जो मेरे डी आई है 32 चैनल का है, सो आपको जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 करते करते ये कितना तक चला जाएगा, आपका 31 तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको रिले बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। रिले बोर्ड हो सकता है कि आपको 32 चैनल का ना हो, हम जो रिले बोर्ड यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपका 8 चैनल के रिले बोर्ड है, ठीक है। तो 8 चैनल के रिले बोर्ड में क्या करेंगे आप, रिले बोर्ड 1 ए ले लेंगे, उसको 1 बी ले लेंगे, 1 सी ले लेंगे, 1 डी ले लेंगे। इस प्रकार से अगर मैं 8 चैनल के 4 रिले बोर्ड लेता हूँ तो मेरा 32 चैनल क्या हो जाएगा, इसमें कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रिले बोर्ड के जो पॉइंट है उसके बारे में हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, हमारे टीवी में चले जाएंगे। और ये जो पॉइंट है आप डी आई से जो निकलेगा केबल, वो कहाँ चलेगा, इसी रिले बोर्ड के जो केबल है, इसी रिले बोर्ड के जो करस्पॉन्डिंग जो एनो है वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए एक कॉमन पॉइंटर है, देखिए एक कॉमन पॉइंटर है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसमें 24 वोल्ट प्लस, चले आगे देखते हैं। अब क्या होगा, जब भी मैं इस रिले बोर्ड में सप्लाई दूंगा 24 वोल्ट सप्लाई दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो आपका एक पॉइंट है रिले बोर्ड का, वो तो सारे पॉइंट को मैं ऑलरेडी निगेटिव सप्लाई दे चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें 24 वोल्ट सप्लाई दूंगा, ये मेरा रिले बोर्ड कैसा हो जाएगा, ऑपरेट होगा। और जैसे आपके रिले बोर्ड ऑपरेट होगा, वैसे क्या होगा, ये जो हमारा एनो है ये क्या समझ जाएगा, एसी बन जाएगा और इसमें हमको सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो चैनल है डीआई है उसमें सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि इसमें अंदर जो चैनल रहता है 1 2 3 करके यहाँ पे 32 लाइट इंडिकेशन रहता है हरे रंग का, वो इंडिकेशन जलने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही ये पीएलसी पैनल हम लोग बनाए हैं और साथ ही साथ हम लोग उसमें टेस्टिंग भी करके देखे हैं, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही समझ लेते हैं कि रिले बोर्ड का जो वायरिंग है, रिले बोर्ड मतलब डीआई का जो वायरिंग है कैसे करते हैं। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, डीआई में जो भी केबल रहेंगे, ठीक है, उस केबल का कनेक्शन जो है आपका जो रिले बोर्ड की जो एनओएनसी है वहाँ पे जाएगा, एनओएनसी मतलब एनओ में जाएगा, ठीक है। और जो रिले बोर्ड का जो कॉइल है वो किसमें चला जाएगा, टीवी में चला जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके फेरोनी नंबर को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि ये रिले बोर्ड का कॉइल है, सो हम लोग रिले बोर्ड से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे टीवी नंबर हम लोग देते गए हैं, XA01, XA02, XA03, XA04, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 32 तक जाएंगे, ठीक है। जब रिले बोर्ड सेकंड में आएंगे तो वहाँ पे रिले बोर्ड 2 आ जाएगा और फिर अगर से स्टार्ट होकर 32 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका टीवी में जा रहा है केवल, उसका ये नंबरिंग हो गया। अब डीआई की नंबरिंग कैसे करेंगे, मतलब डीआई में जो है ना उसकी नंबरिंग कैसे करें, तो पहला डीआई है पहले डीआई ले लीजिए, पहला चैनल है पहले ले लीजिए, ठीक है। और रिले बोर्ड 1 है तो 1 का है तो 1 ले लीजिए और एनो ले लीजिए, ठीक है। अब डीआई हो सकता है कि ये जो डीआई 1 है इसकी तो 32 चैनल है ना, तो ये जो चैनल है वो आपको 1 2 3 करके 32 बढ़ता जाएगा। वैसे ही ये आपको जो एनो है वो वहाँ तक बढ़ता जाएगा, ये भी 32 तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया।